हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। ओके, तो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? आई विल डिस्कस टुडे अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक मूल विशेषता है। भारतीय सामाजिक संरचना के तीन आधार हैं, ग्रामीण समुदाय, जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार। इन तीनों की व्याख्या के अभाव में भारतीय समाज को नहीं समझा जा सकता। संयुक्त परिवार भारत की परंपरा रही है, इसीलिए इसे परंपरागत परिवार भी कहा जाता है। ओके, नाउ द टॉपिक इज संयुक्त परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ जॉइंट फैमिली। ओके, अब हम जॉइंट फैमिली की मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। संयुक्त परिवार में संयुक्तता की धारणा निहित है। यह संयुक्तता निवास, रसोई, संपत्ति, पूजा, कई पीढ़ियों और दायित्वों से है। इसी संयुक्तता की धारणा के आधार पर इसे स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है, अकॉर्डिंग टू इरावती कर्वे के अनुसार। इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो आमतौर पर एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं, मतलब भोजन करते हैं, साझी संपत्ति रखते हैं, सह पूजा में भाग लेते हैं और एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के नातेदारी संबंधों से जुड़े होते हैं। ओके, तो जॉइंट फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली देखिए, सभी जानते होंगे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। जॉइंट फैमिली हम किसे कहते हैं? जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में खाना खाते हैं और हर पूजा पाठ में एक साथ ही सम्मिलित होते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। ए जॉइंट फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लिव अंडर वन रूफ, हु ईट फूड कुक्ड एट वन हाउस, हु होल्ड प्रॉपर्टी इन कॉमन एंड हु पार्टिसिपेट इन कॉमन वर्शिप एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ किंडर्ड। ओके, कर्वे के इस कथन से संयुक्त परिवार की छह प्रमुख विशेषताओं पर भी प्रकाश पड़ता है, जैसे कि नंबर वन, व्यक्तियों का एक समूह, सह निवास, सह रसोई, साझी संपत्ति, सह पूजा और नातेदारी संबंध। ओके,
ओके, आरपी देसाई के अनुसार हम उस गृहस्थी को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य अर्थात तीन या अधिक रहते हैं और ये सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों के स्तर पर संबंधित होते हैं। ओके, वी कॉल दैट हाउस होल्ड ए जॉइंट फैमिली विच हैज ग्रेटर जनरेशन डेप्थ। Three or more than the nuclear family and the members of which are related to one another by property, income and mutual rights and obligation. Okay? तो उस गृहस्थी को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जैसे आपके माता पिता, दादा दादी और उनके बच्चे, ठीक है, अर्थात तीन या अधिक रहते हैं, जैसे चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, आपके माता पिता हो गए, तो ये तीन फैमिली हो गई, और तीन से अधिक जैसे बुआ वगैरह या उनकी फैमिली, तो और लोग भी जैसे दादा दादी के और भी बच्चे, ताऊ ताई आपके, ठीक है, तो तीन या तीन से अधिक रहते हैं और ये सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों के स्तर पर संबंधित होते हैं, वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब है संयुक्त परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। नंबर वन है बड़ा आकार, तुलनात्मक रूप से संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, इसमें कई पीढ़ियों और कई मूल परिवारों का समावेश भी होता है। इस तरह ऐसे परिवार मैं पति पत्नी, पुत्र व उनकी पत्नी, पुत्र पोत्र पोत्री आदि लोगों का समावेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहनिवास, संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही साथ साथ मतलब एक ही साथ एक ही मकान में निवास करते हैं, सहनिवास की संयुक्तता की धारणा को और अधिक विकसित करते हैं। एस सी दुबे हैं, आर के मुखर्जी हैं, बी एस कोहन आदि सहनिवास और सहभोजन दोनों को ही संयुक्तता की आवश्यकता को मानते हैं। अब है सह रसोई, कॉमन किचन, संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही रसोई का भोजन ग्रहण करते हैं, सह रसोई या सहभोजन संयुक्तता की धारणा को विकसित करता है। साझी संपत्ति, साझी संपत्ति संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है, यह संयुक्त परिवार के संगठन की जड़ को मजबूत करती है और इसके सभी सदस्य मिलजुल कर साझी संपत्ति का लाभ भी उठाते हैं और संपत्ति का सबका समान अधिकार भी होता है और सबके हित में सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सह पूजा, कॉमन वर्शिप, संयुक्त परिवार के सदस्य सम्मिलित रूप से पूजा उपासना करते हैं, मतलब पूजा उपासना में सब एक साथ भाग लेते हैं, चाहे दैनिक पूजा हो या त्योहारों की पूजा हो, संस्कार आदि प्रत्येक स्तर पर वे सभी सदस्य संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, साथ ही इसके सदस्य एक ही धर्म पर धार्मिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है निकट संबंधी इंजॉय, संयुक्त परिवार के सदस्य निकट संबंधी होते हैं, पिता भाइयों के संतान, पुत्र व उनकी संतान, पुत्री अविवाहित बहन आदि निकट रक्त संबंधी ही होते हैं, इन्हीं से संयुक्त परिवार का निर्माण होता है। पारस्परिक अधिकार और उत्तरदायित्व, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, संयुक्त परिवार में व्यक्ति को समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिल जाते हैं, मतलब अधिकार मिले हुए होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें असीमित उत्तरदायित्व का वहन करना होता है, इसके सदस्य परिवार के लिए जीते हैं और परिवार के लिए ही हर क्षण करते हैं व सोचते हैं, इसके सदस्य उत्तरदायित्वों से इस तरह जुड़े होते हैं कि उससे बाहर निकलना भी कठिन होता है। नेक्स्ट है सत्तात्मक संरचना, ओके, जिसमें क्या होता है
इसके अंतर्गत परंपरा से आयु एवं वरिष्ठता के आधार पर सत्ता परिवार के सबसे बड़े पुरुष के हाथों होती है, जिसे कर्ता या प्रधान कहते हैं। नेक्स्ट है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। संयुक्त परिवार में स्थायित्व देखा जाता है। आज भी भारतीय परिवार का अभिप्राय संयुक्त परिवार से ही लगाया जाता है। ओके, तो दीज आर द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। अगर संयुक्त परिवार के गुण या प्रकार या फिर मैरिज और फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं। नंबर एक है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, मानसिक सुरक्षा, मेंटल सिक्योरिटी, संस्कृति का हस्तांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, व्यक्ति बात पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन इंडिविजुअलिज्म, ये देखिए आपको वीडियो में सीन हो रहा है, मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि इससे फिर ज़्यादा टाइम वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप ये जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या फिर जहाँ भी आपके लिए लग रहा है कि हाँ आपके लिए यूजेबल है, आप वहाँ पर इसको नोट डाउन करें। अनुशासन डिसिप्लिन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, भूमि विभाजन पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन लैंड डिवीजन, कंट्रोल ऑन लैंड डिवीजन। ओके, इस प्रकार ये संयुक्त परिवार के गुण प्रकार ही हमें है। संयुक्त परिवार में इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे संयुक्त परिवार को परिभाषित करिए, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करिए, संयुक्त परिवार की अवधारणा संरचना पर प्रकाश डालिए, संयुक्त परिवार के प्रकार और आप कार्यों को स्पष्ट करिए, संयुक्त परिवार में वर्तमान परिवर्तनों का विवेचन करिए, रिसेंट चेंज इन ज्वाइंट फैमिली एंड द फैक्टर्स ऑफ चेंज इन ज्वाइंट फैमिली, मतलब परिवर्तन के कारकों की विवेचना करिए संयुक्त परिवार में, और संयुक्त परिवार में परिवर्तन की आधुनिक शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। तक मैं आप किस तरह से रहते हैं कि संयुक्त परिवार का अर्थ है, विशेषताएं हैं, संरचना, गुण, दोष बताइए, प्रवृत्तियां बताइए, कारक क्या हैं, संरचना में परिवर्तन और वस्तुनिष्ठ परिवर्तन, वस्तुनिष्ठ आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से आ जाते हैं इसमें।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.